आज हम बात करने वाले किसके बारे में? उर्फी और उर्फी के शो के बारे में। Wow! Oh my God! I'm defending Urfi Javed. What has happened here? What is this? What is this behavior? What is this behavior? कॉफी चढ़ गई। For me, मैंने Urfi को पहली बार देखा था। उसकी वीडियोस आनी स्टार्ट हो गई थी रील्स, जिसमें वो अपने कपड़े काट काट के उनको डिफरेंट वे में बनाती थी। लाइक अगर कोई टॉप है तो उसको स्पेगेटी में कन्वर्ट कर लिया, कोई शर्ट है तो स्कर्ट में कन्वर्ट कर लिया। बट उसका इन्फ्लुएंस गलत वे में इतना पड़ा ना कुछ लड़कियों के ऊपर कि वो कुछ भी पहन के निकल रही, कटे हुए कपड़े, लाइक उन्होंने सेफ्टी पिन से स्ट्रिंग्स जोड़ जोड़ के कपड़ों में कपड़ा वर्ड कम यूज होता था। बट आई कैन गिव हर 100 मार्क्स फॉर हर क्रिएटिविटी, दैट इज वन थिंग फॉर श्योर। हमने अभी बोला, स्टार्टिंग में बोला दैट आई एम गोना वॉच इट, आई एम डेफिनेटली गोइंग टू वॉच इट फॉर श्योर। अभी लेट्स सी इफ शी इज एबल टू लिव अप टू द इंडियन किम कार्दाशियन वाला अपने कॉमेंट तक या नहीं। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माई चैनल। एंड आज हम फिर से आ गई हैं दोनों, इशिता एंड आशी। हाय एवरीवन, यही चेहरा आपको काफी बार दिखता रहेगा, रोज ही दिखेगा ऑलमोस्ट एक्सेप्ट गेस्ट। तो थोड़ा कभी थोड़ा मुझे सहन कर लेना प्लीज, कभी हम दोनों ही नहीं, सिर्फ गेस्ट गेस्ट, कभी सिर्फ सूरज सर, हम दोनों ही नहीं। तो आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी शख्सियत ही होता है शख्सियत व्हाटएवर, एक ऐसी सेलिब्रिटी बन गई है लेजेंड के बारे में, क्योंकि मैंने पहले काफी ट्रोल किया है मन में, लेकिन आज हम उनके बारे में बात करने वाले हैं क्योंकि वो इंडिया में एक ऐसी चीज लेके आ रही हैं। सो हमारे बड़े बड़े सेलिब्रिटीज ने भी नहीं सोची, करण जौहर ने भी नहीं सोची, वो हमारी उर्फी जावेद जी ने सोची है। एंड आज हम बात करने वाले हैं किसके बारे में? उर्फी और उर्फी के शो के बारे में। तो फॉलो कर लो यार, सब्सक्राइब कर लो और हमारे इस पॉडकास्ट को एंड तक जरूर देखना। हो जाएगा, ठीक है। सो चेयर्स, कॉफी चेयर्स उर्फी जावेद के नए शो पर, बिकॉज उर्फी लेके आ रही है किम कार्दाशियन जैसा एरा, एंड लेके आने की कोशिश में है। आई मीन टू से, एंड व्हाट इज योर टेक ऑन दिस? आई डोंट थिंक, पहली बात तो ये बहुत ही, इट वाज हिलेरियस, पहली बात तो ऐसे का शो आना। डिड यू नोटिस द डायलॉग्स व्हाटएवर शी वाज सेइंग इन द ट्रेलर? अरे डायलॉग्स, आई डोंट नो, एक तो पता नहीं क्या सबको आजकल अलग ही चुल हो गई है कि अपने अपनी लाइफ के ऊपर सबको शोज लेकर आने। देयर वाज दिस रीसेंट शो बॉलीवुड वाइव्स वाला भी आया था, वो भी चलो दैट ऑल्सो वर्कड वेरी वेल। अभी उर्फी का तो आई एम लाइक के इतने बड़े बड़े सेलिब्रिटीज हैं अभी इंडिया में और फिर भी अभी तक किसी का शो नहीं आया जिसमें एक्चुअली लोग इंटरेस्टेड भी प्रॉपर होते, और उर्फी सीरीज लेकर आई है। तो जस्ट सॉ द ट्रेलर यस्टरडे ओनली, मुझे तो ऑनेस्टली न्यूज़ भी नहीं इतनी पता लगी, पर मैंने ट्रेलर देखा। अच्छा, आपका क्या टेक है? क्योंकि मैंने सुना आपकी बहुत फेवरेट रही है वो। ट्रूली बहुत ज़्यादा फेवरेट रही है, इतनी ज़्यादा फेवरेट रही है कि बस मैं इंस्पायर्ड ही नहीं हो पा रही हूँ उनके आउटफिट से इतनी ज़्यादा। बट आई फील I am genuinely interested कि मैं थोड़ा बहुत तो देखना चाहूँगी कि क्या कर रही है। See, I think Urfi is one of those characters हमारी society में that you can like her, you can hate her, but you can definitely not ignore her. You totally. cannot ignore her. तो उसका show, I think मैं चाहे जैसा भी, I saw the trailer, कुछ पॉइंट्स पे आई थॉट कि बहुत एग्जैजरेट किया हुआ है, बहुत खींची हुई है, ओवर एक्टिंग करी हुई, इतना चीखना चिल्लाना, ऑब्वियसली उनको अपना ड्रामेटिक दिखाना है, एलिमेंट तो डालना ही है, सारा भी नॉर्मल नहीं है कि हमारी फैमिली नॉर्मल नहीं है, दैट यू कैन नॉट इग्नोर हर। तो आई थिंक इस सीरीज के साथ भी थोड़ा ऐसा ही होने वाला है कि ट्रेलर को देख के आई थिंक एवरीवन हैज मिक्स्ड ओपिनियंस, बट सबका रिएक्शन एक ये चीज को लेकर जरूर कॉमन है दैट दे हैव टू वॉच द सीरीज, कि एवरीवन इज इंटरेस्टेड कि देखना जरूर है कि होना क्या वाला है, कुछ भी है। बट ट्रेलर में आई डोंट नो, मतलब I don't know what to expect out of it अभी तो, पर ये कि हाँ मुझे जितना देखने में लगा, देर आर पार्ट जहाँ पे बहुत ओवर एक्टिंग करी हुई है, देर आर पार्ट जहाँ पे बहुत चीखना चिल्लाना हुआ है, इतना चीखना और उनको प्रॉपर दिखाना है, मतलब obviously I know that every family, every Indian family is crazy, that is for sure, but वो एक ओवर ड्रामेटिक एलिमेंट, एक सेलिंग पॉइंट रखना ही होता है। तो किम कार्दाशियन वगैरह वाला जो कार्दाशियन शो है, दैट्स व्हाट शी मेंशनड इन हर सीरीज के वो रिक्रिएट कर रही है कार्दाशियन शोज का, यहाँ पे थोड़ा सस्ता वर्जन बट देसी वर्जन आ रहा है अपना इंडिया में। एंड शी वॉन्ट टू बी द वॉनबी ऑफ किम कार्दाशियन, इंडियाज किम कार्दाशियन बनना चाहती है वो। बट ऑनेस्टली इफ यू टॉक अबाउट उर्फी ना, शी इज बीन अ पर्सनैलिटी जो आई थिंक शी इज बीन द what we can say talk of the town since the time wo she mentioned it in the trailer ki bade time se koi controversy nahi hui hai meri, so I want to controversy this. queen to ban chuki hai, I think Rakhi Sawant ko dheere dheere overtake kar rahi hai, uske baad Urfi is the second controversial queen। talking about Urfi ka personality agar dekha jaye, sabse pehle to
आई थिंक साल पहले तक या 1.5 साल पहले तक आई डिडंट इवन नो कि वो एग्जिस्ट करती है और वो है कौन है. मेरे को तो वो वहाँ से पता लगे. आई थिंक बिग बॉस OTT किया था उसने एंड शी वॉज द फर्स्ट वन टू गेट इविक्टेड, इतना भी मुझे याद. जिसने कुछ घंटा कोई मार्क नहीं बनाया, कोई इम्पैक्ट नहीं था, कुछ भी नहीं था एंड शी वॉज इविक्टेड इन द फर्स्ट वीक इटसेल्फ. मैंने उर्फी को पहली बार देखा था, उसकी वीडियो आनी स्टार्ट हो गई थी रील, जिसमें वो अपने कपड़े काट काट के उनको डिफरेंट वे में बनाती थी. लाइक अगर कोई टॉप है तो उसको स्पेगेटी में कन्वर्ट कर लिया, कोई शर्ट है उसको स्कर्ट में कन्वर्ट कर लिया. आई थिंक वो पहली बार लाइमलाइट में आई ऐसी थी दैट शी वाज समथिंग वेरी बिजार शुरू हुई. हाँ, और एक रील उसका कुछ ट्रेंड हो गया कुछ भी है एंड देन शी गॉट द लाइमलाइट उधर से. और बट पहले वो सीरियल्स वगैरह में भी आती है. रियली? हाँ, वो हमारे इंडियन सीरियल्स में. आर यू टेलिंग मी ऐसे फेसेस थे? हाँ, शी वाज अ पार्ट ऑफ सम इंडियन टेलीविजन शो और सीरियल, सॉरी पता नहीं कोई ZTV जैसा एक और चैनल. वेरी ऑनेस्टली मुझे मैंने भी देखे नहीं है बट उसके ग्लिम्स वगैरह वो डालती होती थी ना BTS वगैरह, तो आई थिंक मैंने उसको वहाँ पे देखा है. बट आई डोंट नो. एंड आशी बीइंग अ फैशन इन्फ्लुएंसर, बीइंग अ फैशन इन्फ्लुएंसर, क्या क्वेश्चन आई वाज वेटिंग एंड आई थिंक आई हैड टू कम अप विद, आई हैड टू एड्रेस द एलिफेंट इन द रूम के बीइंग अ फैशन इन्फ्लुएंसर, उर्फी के फैशन स्टेटमेंट पे क्या ख्याल है आपका? पहली बात तो हमने लास्ट टाइम भी ये बात करी थी कि फैशन समथिंग कि इसकी कोई लिमिट नहीं है. यू कांट से कि लाइक दिस इज राइट. ये वही लड़की है जिसने जेन्युइनली फैशन की सारी लिमिट्स ही तोड़ दी हुई है. शी एक्चुअली प्रूव्ड कि देयर इज नो लिमिट. आप टूथपेस्ट भी पहन के घूम सकते हो, आप फोटो फ्रेम्स भी लगा के घूम सकते हो, आप फॉइल पेपर भी लगा के घूम सकते हो, आप केले के छिलकों से लगा के घूम, सेफ्टी पिन से, आप लिटरली. आई थिंक शी हैज मेड अ मार्क कि आप इस दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं बची है जिसको पहन के आप घूम नहीं सकते. वन थिंग ऑल्सो दैट वो सिर्फ वही कर सकती है या कोई ऐसा जिसको उसके जैसी सनक हो यहाँ पे. ठीक है कि लाइक वी डोंट केयर कि हमारे को कौन देख रहा है, हमें कौन क्या समझ रहा है. आई विल डू व्हाट आई वांट टू एंड व्हाट आई एम कंफर्टेबल. ऑनेस्टली मैं अपना बोलूँ तो मैं आई नेवर liked Urfi's fashion statement, whatever she was trying to make at that point of time. मैंने कुछ उसका कभी like नहीं किया. आई थिंक आई वॉज वन ऑफ उर्फी हेटर्स ओनली. आई हैव ऑलवेज बीन दैट. मेरे को उसका मतलब ठीक है, देयर इज अ लिमिट. अगर आप सोशल मीडिया पर डाल रहे हो चीज़ें और जो आपको पता है कि सारे एज ग्रुप को ओपन है, बच्चे भी देख रहे हैं, बूढ़े भी देख रहे हैं वो चीज़ को. मैं भी कहीं ना कहीं आपके इसी साइड पर हूँ क्योंकि उसके बाद ना ऐसे काफ़ी इंसिडेंट्स आए. डेली मेट्रोज में हमने लड़कियाँ देखी है जो कुछ भी पहन के लाइक कुछ भी नहीं पहन के जा रही है. एंड एक होता है ना कि अप्रोप्रिएट वे होता है. अगर आप, मैंने हमेशा ये चीज़ बिलीव करी कि आप कुछ भी पहनो, अगर वो आप उसको अनकम्फर्टेबल वे में दिखा नहीं रहे ना, सामने वाले को भी शायद वो नहीं लगेगी. एंड यू विल ऑल्सो से दैट कि उर्फी के कुछ आउटफिट्स ऐसे होते थे जिसे देख के हंसी आती थी बट ऐसा फील नहीं होता था कि यार ये कैसे पहन, यार ये कितना वो है. कुछ आउटफिट्स थे उसके ऐसे कि वो देख के लगता था कि हाउ. बट उसका इन्फ्लुएंस गलत वे में इतना पड़ा ना कुछ लड़कियों के ऊपर कि वो कुछ भी पहन के निकल रही, कटे हुए कपड़े, लाइक उन्होंने सेफ्टी पिन से स्ट्रिंग्स जोड़ जोड़ के कपड़ों में कपड़ा वर्ड कम यूज होता था. कपड़ा तो यूज ही नहीं हो रहा है. ऐसी चीजें पहनकर घूमती थी वो. मेट्रो में आप जा रहे हो सबके सामने, व्हेन यू नो कि मेट्रो या दिल्ली इज अ प्लेस जहाँ पे यू आर नॉट सेफ, सूट पहनी हुई लड़की भी सेफ नहीं है. सो व्हाई यू आर रोमिंग लाइक दिस? तो मुझे ऐसा लगा कि उस चीज पे, क्योंकि हमारे लोगों की मेंटेलिटी नहीं है अभी कि वो चीज वो एक्सेप्ट करें कि आप ऐसे घूम सकते हो. आई थिंक मेंटालिटी तो लोगों की यार हमारी भी नहीं है, चेंज होने वाली कि वो ऐसी की चीज़ को कभी भी एक्सेप्ट कर सके. बट आई वुड से वन थिंग दैट आई माइट गिव 10 मार्क्स टू उर्फी आउट ऑफ 100 फॉर हर क्लोथ्स और मे बी कॉन्फिडेंस इवन. बट आई कैन गिव हर 100 मार्क्स फॉर हर क्रिएटिविटी. दैट इज़ वन थिंग फॉर श्योर. मतलब कि दैट इज़ वॉट आई वॉज कमिंग टू कि आई हैव नेवर बीन उर्फीज फैन. मुझे कभी समझ नहीं आया कि आप ऐसे इवन मैंने तो उसके बारे में एक बार स्टोरी भी डाली थी कि लाइक तभी तो मैंने आपसे पूछा क्योंकि उसने पता क्या बात करी थी. उससे किसी ने ना एक वीडियो सेशन हो रहा था उसका, लाइव सेशन और मे बी आई डोंट नो. शी वॉज प्लेइंग अ गेम विद द होस्ट एंड द होस्ट शोड हर अ फोटो ऑफ एन एक्ट्रेस जिसने बड़ा प्यारा सा ना लहंगा या साड़ी टाइप्स कुछ पहनता. एंड शी सेड I hate it. I am never going to wear this. I was like, sari is something जो हमारे टाइम में कब से चल रही है. I am someone जिसे बहुत पसंद है साड़ी एंड मैं उसके बारे में बहुत पढ़ती हूँ. एंड इट हैज़ ऑलवेज फैसिनेटेड मी कि लाइक कितने टाइम से एक छोटा सा क्लोथिंग पीस चलता आ रहा है और वो आज कितनी उसके एम्फेसिस है हमारे ऊपर, राइट? एंड यू आर सेइंग कि तुम ये नहीं पहनोगी बट तुम
पेंसिल इरेजर लगा के घूम लोगी. सो वो सेंस नहीं बन रहा था. आई थिंक उसने साड़ी को भी अपना वर्जन दिया हुआ है, साड़ी पर भी उसने अपना वर्जन डाला हुआ है पूरा. आई थिंक साड़ी वांट टू टॉक अबाउट इट लाइक लिटरली नॉट इवन उर्फी. आई हैव सीन मेनी इन्फ्लुएंसर्स जिन्होंने साड़ी का कॉन्सेप्ट तो ना खराब कर दिया हुआ है. साड़ी समथिंग दैट इज सपोज टू बी सो एथनिक, सो ब्यूटीफुल, एंड यू आर एडिंग योर ओन एलिमेंट्स टू इट जस्ट इन द नेम ऑफ फैशन वगैरह करके. और मतलब लाइक साड़ी को छोड़ दो यार, और किसी के साथ भी कुछ करना है साड़ियों को मत करो, साड़ी को छोड़ो प्लीज लिटरली. तो मुझे वो चीज़ बहुत अजीब लगी थी कि जो ठीक है तुम्हें जो पहने तुम पहले, तुम्हें वेस्टर्न में करने एक्सपेरिमेंट तुम करो, बट जो हमारे इंडियन आउटफिट्स की ग्रेस चीजें हैं उसको भी तुम इतना डिग्रेड करने की ट्राई कर रहे हो ना कि लाइक एटलीस्ट इंडियन आउटफिट्स को प्लीज तो छोड़ दो यार. उनको लेट इट बी द वे दे वर इंट्रोड्यूस, द वे दे वर क्रिएटेड फॉर आवर बॉडीज, प्लीज लेट इट बी लाइक दैट ओनली. बट यही है कि आई मीन आई डोंट नो, आई नेवर फैशन स्टेटमेंट को लेके तो आई मीन उसने सेफ्टी पिन, आई थिंक यू शो हर एनी ऑब्जेक्ट, तुम कुछ भी उसको दिखाओ. फैन लगा के घूम रही है, फैन लगा के घूम रही है. मेरे साथ मेरे फ्रेंड आए थे, ही इंट्रोड्यूस्ड हर लाइक वो पक्खे वाली है. लाइक हु वो पक्खे वाली. अच्छा उर्फी पक्खे वाली. सो पीपल नो हर बाय द एलिमेंट्स जो वो यूज करती है अपने आउटफिट्स में. वो जो आड़ी टेढ़ी चीजें लगा के घूमती है ना, तो एक किस्म से उसके लिए ठीक है, उसको फेम मिल रहा है, बट आप कब तक इन चीज़ों को यूज़ कर सकते हो. बट आई हैव टू गिव दिस टू हर, शी हैज़ बीन इन दिस गेम फॉर लॉन्ग. एंड मतलब आई डोंट नो, आई नो दैट कि इतना लाइकिंग नहीं कुछ भी हमारा शायद स्टेटमेंट को उसका, क्योंकि फैशन हाँ मतलब शी हैज़ टेकन दैट टू अनदर लेवल. अपना एलिमेंट क्रिएटिविटी का जो उसने ऐड किया, आई डोंट थिंक वो फैशन हमारी सबकी ना थिंकिंग से बियॉन्ड जा चुका है बहुत ज़्यादा. बट दैट गर्ल आई थिंक शी हैज़ मेड क्लोथ्स दैट ओनली शी कैन पुल ऑफ. बिल्कुल. देयर इज़ नो वन एल्स इन दिस वर्ल्ड हु कैन बी अनदर उर्फी जावेद. वो जो लड़कियाँ उसे कॉपी भी अगर कर रही थी तो उनसे वो चीज़ हो नहीं रही थी अच्छे से. हाँ वही है, वो बहुत गलत वे में रिप्रेजेंट हो रहा था बहुत ज़्यादा. बट वो चाहे उर्फी भी इतना कुछ खास रिप्रेजेंट नहीं हो पाई, बट लाइक लिटरली देयर इज मेयरली नथिंग. और दो पंखे लटके पड़े हैं यार आशी प्लीज यार. पंखे ऐसे नहीं लटक रहे थे ना, उसमें प्रॉपर स्ट्रैप्स थी. वाओ, ओ माय गॉड, आई एम डिफेंडिंग उर्फी जावेद. व्हाट हैज हैपेंड हियर? व्हाट इज दिस? What is this behavior? What is this behavior? कॉफी चढ़ गई. कॉफी कुछ ज़्यादा तूने एक्चुअली छोड़ देती हूँ अभी. बट नहीं वो ही है. बट हाँ अभी के लिए मेरे को आई वुड से कि मेरे को फिर भी आई कैन हैव और मे बी अ लिटिल बिट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर हर, क्योंकि शी इज़ बीन कंसिस्टेंट और वो करती रही एंड शी इज़ बीन वोकल अबाउट द थिंग कि मैंने जो मर्जी करना है करो, इवन टॉकिंग अबाउट द फैक्ट दैट शी इज़ गॉट फिलर्स एंड एवरीथिंग फ्रॉम द एज ऑफ 18. एंड मतलब उसको कितने लोगों ने ट्रोल भी किया कुछ भी, एंड शी हैज़ नेवर बीन के लाइक नहीं मैंने तो अपने फेस से कुछ छेड़ा नहीं. मोस्टली एक्ट्रेसेस जो करती आई हैं, बट उसने पूरा अपना दिखाया कि मतलब लाइक मैंने फिलर्स इज समथिंग दैट शी इज़ बीन हैविंग फ्रॉम द एज ऑफ 18. बोटॉक्स लगा लो, कुछ भी लगा लो. ट्रेलर में भी शी इज सेइंग कि लाइक मुझे बूब जॉब करवानी. या एग्जैक्टली. आई थिंक सो दिस इज लाइक आउटफिट्स तक तो ठीक था, काफी लोग बैडली इन्फ्लुएंस भी हुए हैं, हो भी रहे होंगे, बट आई थिंक दिस इज नेक्स्ट लेवल बुलशिट. या क्योंकि एक किस्म से हम ही लोग ना बाहर वाले सेलिब्रिटीज के लिए ये चीजें बोलते हैं कि उनकी वजह से बहुत सारी इनसिक्योरिटीज आ गई है. सोशल मीडिया पे अपने आपको परफेक्ट दिखाने वाली वो चीज बहुत ज्यादा आ गई है. तो उर्फी में अगर इतना कॉन्फिडेंस था कि वो अपने आउटफिट्स ऐसे लेके जा रही है, तो उसमें ये कॉन्फिडेंस शो करना चाहिए. फॉर मी उसको ये चीज़ भी होनी चाहिए थी कि आई एम गोइंग टू पुल ऑफ एवरीथिंग द वे आई एम इन एवरीथिंग. ठीक है, तो अब वो चीज़ भी चेंज कर रही है. लड़कियां जो उसे छोटी सी लड़कियां देखने लगेंगी, एज ग्रुप तो सारे देखेगा उसकी, उनके माइंड में भी आएगा कि अगर वो कर रही है तो हम भी कर सकते हैं, हमें भी करना है. मैंने देखा लेटली तो ऐसा हो चुका है कि प्लास्टिक वट एवर, प्लास्टिक इज अ रियल न्यू नेचुरल. हां एंड न्यू नेचुरल. आई थिंक वो कॉन्फिडेंस से ज्यादा इट्स बीन लाइक कि तुम्हारा दिल है कुछ भी करवाने का. इफ़ यू फील लाइक कि यू डोंट हैव अ सर्टन थिंग इन योर बॉडी और तुम्हें करवाना है, बी इट फिलर्स, बी इट अ बूब जॉब, बी इट एनी थिंग नोज जॉब, कुछ भी हो, पीपल आर बींग वेरी वोकल अबाउट एंड पीपल आर एंडोर्सिंग इट ऑल्सो कि कराओ कुछ भी है. आई पर्सनली वुड नेवर गो फॉर एनी थिंग लाइक दिस. आई डोंट नीड एक्चुअली. या इट्स नॉट अबाउट नीड ओनली यार, इट्स नॉट अबाउट नीड. But I would say, I would just, as a person, I would not go for it. I would not endorse it. और मैं किसी को बोलूंगी भी नहीं. बिल्कुल. But if someone wants to, I don't think I'll. मतलब हम चेंज नहीं कर सकते ना फिर अब उनका पॉइंट ऑफ व्यू. हाँ, मैं किसी को रोकूंगी नहीं कुछ भी नहीं कि आपको जो करना है करो. बट या तो उर्फी का मतलब दो, शी इज बीन वेरी वाइल्ड इन एनी थिंग यू टॉक अबाउट.
बट शी हैज़ बीन आउट देयर और वो सब कंसिस्टेंटली मतलब पोस्टिंग भी आई थिंक लगा लो और मुझे एक टाइम तक बहुत लगता था कि उर्फी पीआर टीम ने बहुत अच्छा काम किया है. अरे यार वो खुद ही मतलब कहाँ से स्टार्ट हुई थी पैप्स को खुद बुला के करना. अभी क्या है जहाँ उर्फी मैडम आ गया तो उर्फी मैडम करके सारी लोगों ने ये तक बोलना शुरू कर दिया था. लास्ट टाइम अभी जो ये कांस फिल्म फेस्टिवल हुआ या मेट गाला हुआ एवरीबडी वाज सेइंग कि मेट गाला के आधे आउटफिट्स वर रिक्रिएटेड फ्रॉम उर्फी जावेद्स क्रिएशंस क्योंकि वो ऑलरेडी पुरानी पुरानी आउटफिट्स को रिक्रिएट कर चुके हैं. उसने इंस्पिरेशंस ली होंगी ना हिस्टोरिकल आउटफिट से. तो कुछ जो मेट गाला का इस बार थीम था इट वॉज रिलेटेड टू स्लीपिंग ब्यूटी की पुराने आउटफिट्स को उठा के रिक्रिएट करो इन गार्डन ऑफ टाइम फ्लावर्स के वे से राइट. तो उसके कुछ आउटफिट्स वो क्रिएट कर चुकी थी अपने वर्जन में और वो वहां पे देखने को मिले वैसे भी दो उन्होंने शायद देखा उसे नहीं देखा बट उसका माइंड उनसे पहले ही चल गया उस चीज को क्रिएट करने में. आई नो पता नहीं मुझे याद नहीं आ रहा पर देयर वाज सम इंटरनेशनल फैशन डिजाइनर आल्सो जिसने इसका उर्फी का नाम लिया था किसी में कि उसकी कुछ स्टाइल स्टेटमेंट की तारीफ करते कुछ आई डोंट रिमेंबर मेरे को बट याद है मैंने ये चीज देखी थी. और जब भी उर्फी एक्चुअल में वायरल होना स्टार्ट हुई थी बिकॉज ऑफ हर क्लोथ्स एंड एवरीथिंग आई वाज लाइक ये लाइक चार दिन की हवा है ये ऐसे ही सोशल मीडिया पे वायरल होता है कंटेंट. दो चार दिन वायरल हुआ पता भी नहीं लगी कि कहाँ चली गई गायब होएगी. बट आई डोंट नो मतलब द थिंग दैट इज बीन मेंशन उसके ट्रेलर में भी कि उसका मास ऑडियंस में जो क्रेज है दैट इज लेजिट देयर ब्रो. आई वाज शॉक्ड टू सी मुझे पता नहीं था इतने लोग क्रेजी हैं. मतलब लाइक अगर वो बंदी ने एक शो से पहले दिन में वो मतलब पहले हफ्ते में वो आउट हो गई क्योंकि उसने कुछ कॉन्टेंट नहीं दिया कुछ भी नहीं दिया टू द पॉइंट जब आज उसका एक शो निकल के आ रहा है वो पॉडकास्ट वगैरह अटेंड कर रही है पूरा स्टोरी शेयर कर रही है मींस पीपल आर इंटरेस्टेड दैट इज व्हाट आई एम सेइंग. यू कैन हेट हर यू कैन लाइक हर यू कैन नॉट इग्नोर हर. एंड वो चीज को लेके आई हैव दैट रिस्पेक्ट अ लिटिल बिट ऑफ रिस्पेक्ट इन माय माइंड कि यार बंदी में दम है बहुत दम है. एंड आई हैव टू एडमिट आई थिंक आशिका ना ये पूरा पर्सपेक्टिव चेंज हुआ है. नो इट्स नॉट अबाउट पर्सपेक्टिव कहीं ना कहीं आई अडोर हर इन द वे कि हाँ उसने ये चीज भी सबको सिखाई है कि डू व्हाट एवर यू वॉन्ट फ्रीली डोंट केयर अबाउट व्हाट पीपल थिंक ऑफ यू ठीक है. बट आई थिंक उसमें भी हम लोगों की मेंटेलिटी ही वही बना के रखे कि देयर शुड बी अ लिमिट इन व्हाट एवर यू थिंक एंड वो मेंटेलिटी उसने क्रॉस कर ली. आई थिंक उसका ये वो चीज को लेके था कि मतलब इवन इफ यू आर डूइंग समथिंग राइट इवन इफ यू आर डूइंग समथिंग आउट ऑफ लाइन देर आर ऑलवेज पीपल हु आर गोइंग टू मॉक यू देर टॉक अबाउट यू. तो मेरा जो दिल है चाहे आपको अच्छा लगे आपको गंदा लगे मेरे को करना ही करना है. तो उसने आई थिंक उस चीज को किया जो कि पहले आई मुझे भी नहीं पसंद था. क्या पागल लड़की है यार मतलब बस करो ये इंस्टेंट बॉलीवुड से हम बड़े ही ऐसी मेंटेलिटी में हमारे आसपास सोसाइटी ऐसी इवन हमारे पेरेंट्स हमें खुद कहते थे कि बाहर ऐसी कोई चीज मत करना जिससे हमारा चार लोगों में नाम हो जाए. चार लोग लोग पैप्स वगैरह खुद बुलाते हैं पर उसने खुद बोला कि यार मैं तो करके बुलाती हूँ कुछ भी एंड जिस तरह भी मतलब वो आई रिमेम्बर देयर वाज दिस वन इंटरव्यू के व्हाट इज दैट वन थिंग उससे किसी ने पूछा था आई डोंट रिमेम्बर विच इंटरव्यू कि आप व्हाट इज दैट वन थिंग जो आपको लाइक यू डोंट लाइक अबाउट बॉलीवुड एक्ट्रेसेस. I remember she said ki like when they have to pretend that they are gareeb aur humne struggle kiya she's like तुमने गरीबी देखी हाँ तुमने क्या गरीबी देखी है यार सालों तुम लोग सारा अली खान यार सारा अली खान है ना टारगेटिंग ऑल दीज बी टाउन बेबीज नहीं जो भी आए हैं ये जो सारा अली खान अनन्या पांडे वो है कि लाइक वो अनन्या पांडे का वो स्ट्रगल वाला भी तो कितना हुआ था उस टाइम वायरल. इट्स लाइक मेरा माय डैड हैज नेवर बीन ऑन कॉफी विद करण सो शी इज लाइक इट स्टॉप प्रिटेंडिंग कि हाँ हम भी नॉर्मल रहते हैं जबकि तुम नहीं हो. That's true. उसका वो पॉइंट बिल्कुल लेजिट था क्योंकि सारा अली खान का एक मैंने देखा था वो कह रही थी वो अपनी मम्मी को डांट रही थी कि तुम इतने महंगे टॉवल क्यों लेकर आई हो वैनिटी वैन में फ्री होते हैं तुम्हारे लिए महंगे 600 के टॉवल सीरियसली. हाँ तो वही एंड मतलब उसका ट्रेलर में जो चीज़ मेंशन मतलब आई एम एक्चुअली फाइंडिंग दिस अम्यूजिंग राइट नाउ कि हम स्टार्ट हुए थे ट्रेलर के बारे में रोस्ट करते करते अभी इवेंचुअली हम दोनों उर्फी फैंस हैं. उर्फी फैंस बन चुके हैं. मदर ने भी ये चीज जब बोली ना कि मेरा घर ही उर्फी की वजह से चल रहा है. एग्जैक्टली तो उस वजह से भी मैं थोड़ा सा मैंने सोचा कि लाइक व्हाट एल्स शी कैन डू अगर उसको इस चीज से अच्छा क्योंकि हम लोग हमेशा ये सोचते ना कि हमें वही चीज करनी है जिससे हमारा घर चले जिससे हमें एंड ब्रो व्हाटएवर शी डज शी इज अर्निंग हेल लॉट ऑफ मनी आउट ऑफ इट. तो आई थिंक इस ट्रेलर इस सीरीज के बाद अगर ये सीरीज चल जाती है लिटरली तो आई हैव आई डोंट नो अ सीरीज चलेगी बट आई नो दैट पीपल आर गोइंग टू वॉच. मेरे को खुद को हो रहा है कि यार देखनी जरूरी है. हमने अभी बोला स्टार्टिंग में बोला दैट आई एम गोना वॉच इट. आई एम डेफिनेटली गोइंग टू वॉच इट फॉर श्योर. अभी लेट्स सी इफ शी इज एबल टू लिव अप टू द
इंडियन किम कार्दशियन वाला अपने कमेंट था क्या नहीं बिल्कुल. एंड बाकी आई थिंक स्टाइल स्टेटमेंट तो उर्फी की जब तक मीडिया है, जब तक हम हैं, जब तक हम देखते रहेंगे क्यूरियसिटी, वो अपने नए नए केले का छिलका हो जाए. कोई एक आउटफिट उसका जो तुम्हें अभी भी याद हो एंड यू वर लाइक व्हाट इज दिस रिडिक्युलस. ऑनेस्टली मैं इस पॉडकास्ट से पहले ऐसे सोच रही थी कि यार ऐसे कौन से पॉड थे इतने सारे कि हम सोच रहे हैं एक्चुअली याद है. बट मैं अभी जस्ट उसका मतलब द रीसेंट वन आई थिंक आई रिमेम्बर वाज एक तो देयर वाज दिस केले के छिलकों के साथ था, केले का छिलका वाला वो हो जाए. देन देयर वाज दिस पंखे, तो आई थिंक वो तो पक्के वाली तो बेस्ट वो रहेगा, बेस्ट मेरा टाइटल ही यही होगा, लेट्स टॉक अबाउट पक्के वाली. आई डोंट नो देयर बट टिश्यूज के साथ एक ड्रेस, तो देन आई थिंक उसने एक बार एक गार्बेज बैग के साथ लेके, और वो एक बार कौन सा उसका सम इवेंट में बहुत ही बहुत बड़ी सी ड्रेस थी, समथिंग वेरी एनॉर्मस, आई डोंट रिमेम्बर, जिसमें आई थिंक सोलर सिस्टम पूरा क्रिएट किया हुआ था, समथिंग लाइक दैट. व्हाट अबाउट यू आशी, व्हाट इज दैट वन आउटफिट तुझे लगता है कि यार अभी तक याद है? या वन आउटफिट, एक तो उसने सेफ्टी पिन पहने थे बहुत सारे. सेफ्टी पिन थे बस उसमें, आई रिमेम्बर. ठीक है, एक था उसने साड़ी का बतंगड़ बनाया था, विच आई कैन नेवर फॉरगेट. साड़ी तो सदाजी आई प्लाजी साड़ी वॉज टू पर्सनल फॉर मी. एंड अदर वन इज जब उसने वो मच्छर वाले, वो नहीं होते मच्छर मारने वाली कॉइल्स के साथ पखों की जगह कॉइल्स लगा दी. आई थिंक यार कोई चीज नहीं छोड़ी हुई है. उस पर रील्स बननी शुरू कर दी थी, रोस्टिंग रील्स आई थी कि लड़के पूछ रहे हैं मम्मी फॉयल पेपर का है, तो मम्मी तेरी बहन पहन के गई है. और वो जेनरली पूरा पहन ही होती थी उस पर, वो घूम रही होती है उस पर. एंड मतलब वही चीज है अभी तक तो. एंड देयर आर अ लॉट मोर आउटफिट्स जो यहां पे लॉट मोर रील के में लगा देंगे. हम एक्चुअली आपको दिखा देंगे अभी हमारे माइंड में ना थोड़ी स्पेसिफिक चीजें आनी रही हैं. कॉफी चढ़ गई क्योंकि ये तो चढ़ी गई है. चलो बट यार आई नो आई थिंक लाइक हमारा पॉडकास्ट भी चाहे आज उसकी बातों पे चल रहा है, ये चीज बोल उसकी बातों पे चल रहा है. एंड सच नहीं बोलते चाहे बोलो कॉफी में कुछ तो था, लेमन जेस्ट थी इसमें कुछ तो था. चेक करा ले एक बार क्या ला क्या पिया तूने. पर लाइक या शी इज बीन पार्ट ऑफ एनी पॉडकास्ट सिस्टम पे मैंने जितने भी देखे हैं, रियलिटी शोज या स्प्लिट्स विला लगा लो, जज बन रही है वो जज बन रही है. लाइक इसको क्यों जज बना के लेकर आ रहे हो यार, हद है. तो तुम्हें ये लगता है हमें बनाएंगे? हम हैं कौन और हम हैं कौन उसको जज करने वाले अभी भी? बट इट्स ओके, हमारे अपने पॉइंट्स हैं. हमें हमारा हम करेंगे. ट्रेलर में हमने ओरी को भी देखा है, मुनव्वर को भी देखा है, मतलब सारे यूजलेस कैरेक्टर्स हमें दिख जाएंगे इस शो में. ठीक है मुनव्वर. गाइस ये आपको लास्ट ही दिखेगी इस पॉडकास्ट में, शी इज मुनव्वर फैन. गाइस नहीं मैं फिर आऊंगी, ये शक्ल आपको दिखती रहेगी. चलो मेरा पेज ही नहीं चलेगा. टू मच सीरियसनेस. तो हमें ओरी भी मिलेगी. ओरी वाज आस्किंग हर क्या कि लाइक अगर किसी दिन तुम्हारी ये सारी चीजें मुझे छीन ली गई. ओरी और पहले उर्फी की पहले बात तो दोस्ती हुई कहां से है? ये बहुत ही नई फ्रेंड. वेडिंग में तो नहीं हुई उर्फी नहीं थी वहाँ पे, उधर नहीं बुलाया क्योंकि अंबानी आई डोंट थिंक उसके आउटफिट्स टॉलरेट नहीं कर पाते. उधर आई थिंक मुकेश अंबानी को आधा हार्ट अटैक आता था उसके आउटफिट्स देख के, सो आई डोंट थिंक वहाँ पे आती. बट ये लोगों की भी फ्रेंडशिप एकदम से पनपी और दिखना शुरू हुए हैं दोनों फॉर सोशल लाइक या ऑल क्रेजी मेबी फॉर दैट. और ही फीचर हो रहा है उसके शो में, उसको पता है उसको देखेंगे लोग, तो फिर दैट्स व्हाई नवर भी आ गया उसमें. आशा आई थिंक हम एक और पॉडकास्ट मुनव्वर के ऊपर कर सकते हैं. नेवर, मेरे पेज पे मुनव्वर के लिए कोई. मुनव्वर हो गया, एमसी स्टैन हो गया, व्हाट आर दीस पीपल, ऑल द बिग बॉस विनर्स. नो आई एम नॉट एन बिग बॉस एनी काइंड ऑफ. आई वाज नॉट एन एमसी फैन, नहीं थी मैं. तो मुनव्वर के बारे में तो चलो छोड़ो, अभी हम उर्फी की बात कर रहे थे. तो उर्फी के ये शो की हमें वेटिंग रहेगी, थोड़ी वेटिंग तो क्या ही रहेगी, जब आ जाएगा देख ही लेंगे. एंड आप लोग बताइएगा कि आपको उर्फी के शो में इंटरेस्ट कितना है या कितना नहीं, और उर्फी की कौन सी ऐसी आउटफिट्स हैं, और आपको ये भी कब तक लगता है कि उर्फी कब तक टिकने वाली है, और क्या ऐसी और कौन सी एक चीज़ ऐसी रहेगी जिससे उर्फी ने अब तक आउटफिट नहीं बनाया. हाँ उर्फी के कोई चीज़ रिकमेंड कर दो, उर्फी को हम उसमें टैग कर देंगे कि ये रह गया बहन, इसको भी रिक्रिएट कर दे. एंड कॉमेंट्स में उर्फी को जरूर टैग करो साथ में. बीफ चलो ठीक कर ही देना. And also don't forget to subscribe, like, comment and share, because ऐसी बस बस चलती रहेगी. And we will meet in our next podcast. Toodles. Toodles.